Now, in an exclusive conversation with Mirror, now Delhi's LGVK Saxena reflected on the preparations in place for the G20 summit. He said that all works have been completed as per the plan, and he also said that all the artifacts and greeneries would be remained after the summit as well. Let's listen in. Delhi is the G20 guests. We are जो हम लोगों ने प्लान किया था जो टाइम लाइन सेट की थी उन्हीं टाइम लाइन्स में सारी चीज़ों को पूरा कर लिया गया है एक आध परसेंट जो चीज़ें हैं वो अब फाइनल टचेस पे हैं सिक्योरिटी का जहाँ तक सवाल है दिल्ली पुलिस को इसकी जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर रही है पिछले दो तीन महीनों से ड्रिल्स चल रहे थे और सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी और देश की एजेंसीज़ हैं वो दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं और मैं इतना कह सकता हूं कि ये इवेंट बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा दिल्ली पुलिस की निगरानी में होगा और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी जो आज दिल्ली की शक्ल बदली है जो आर्टिफैक्ट्स लगाए गए हैं फाउंटेंस लगाए गए हैं या स्टैचूज लगाई गई हैं रोड को जो बदला गया है ग्रीनरी बढ़ाई गई है ये जो पॉट्स रखे गए हैं वो सिर्फ़ जी ट्वेंटी के लिहाज से नहीं किया गया है वो दिल्ली में परमानेंट एसेट्स को क्रिएट करने के लिए किया गया है मैं शुरू से कहता आया हूँ कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है दिल्ली की सजावट दिल्ली का रख रखाव ऐसा होना चाहिए कि एक हफ्ते के नोटिस पर यहाँ पर कोई भी बड़ा से बड़ा और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा सके और मेरी पूरी कोशिश है कि हम दिल्ली को उसी तरीके से तैयार करें आज दिल्ली के एक छोटे से पोर्शन को उस तरीके से तैयार किया गया है और इस बात ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर आप चाहते हैं और आपने एम फिक्स कर दिया है गोल्स सेट कर दिए हैं तो वो फिर काम रुकता नहीं और जब दो महीने में कोई काम इतनी स्पीड से होकर इतना बड़ा एरिया बदल सकता है तो जैसा मैंने कहा कि नौ साल का पीरियड एक बहुत बड़ा पीरियड होता है उसमें तो दिल्ली की शक्ल बदली हुई होनी चाहिए थी लेकिन ठीक है